हेलो एवरीवन, माय सेल्फ रमन शर्मा एज एन आईएलटीएस ट्रेनर ते ताडे सामने अज रीडिंग पैसेज लिस्ट ऑफ पीपल जिन्हों बहुत बच्चे टफेस्ट पार्ट मनते हैं, इन मैं ईजीएसट बना के ताडे सामने लेके आया। तो मैं उम्मीद करूंगा कि तुहानू वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो एग्जाम दे विच ए काइंड ने आना ही हुंदा हैगा, तो जे तुहानू एग्जाम च ए काइंड मिलदी है तो ताडे 1.5 to 2 बैंड ने जिहड़े वो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। जिस तरीके नाल मैं तुहानू ट्रिक समझाई हैगी तो डेफिनेटली वीडियो बहुत वधिया तरीके नाल बनाया तो समझाएगा, तो जेकर एंड तक देखोगे तो जिहड़ा तुहाडा स्कोर हैगा वो डेफिनेटली बूस्ट होएगा। बहुत बच्चे कहिंदे कि सर रीडिंग दे विच प्रॉब्लम आउंदी आ, तां मैं इस अज 1 मार्च तो लेके 30 मार्च तक टिल कॉन्टीन्यूसली मैं वीडियोज़ नूं अपलोड करूंगा विदाउट एनी गैप ऑफ अ डे, चाहे संडे है चाहे सैटरडे आ, मैं हर रोज़ अपलोड करता रहूंगा। तो डेफिनेटली तुहानू जिहड़ी वीडियोज़ वधिया लगनगियां, तो जिन्हें जिन्हें चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो सब तो पहला रिक्वेस्ट है कि चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, तो हर रोज़ इंग्लिश नाल जुड़ियां ते आईएलटीएस नाल जुड़ियां वीडियोज़ नूं डेफिनेटली तुहाडी नोटिफिकेशन तुहाडे फोन दे उत्ते आएगी। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लैट्स गो आर रीडिंग पार्ट लिस्ट ऑफ पीपल। सो जिवें कि मैं तुहानू सारयां नूं कह चुक्या कि आपां अज जिहड़ी चीज़ पढ़न लगे हाँ उहदा सब तो मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट हैगा बच्चे वह हैगा अपना लिस्ट ऑफ पीपल। तो मैं तुहानू जिस ट्रिक नाल समझाऊंगा जे तुसीं एग्जाम दे विच सेम फॉलो करे ना तो बिलीव करियो जिहड़ा तुहाडा स्कोर हैगा वह बिल्कुल 9/9 बैंड तुसीं गैट कर सकदे होंगे। क्वेश्चन की जी अपनी टाइप है दैट इज कॉल्ड ओनली 1 to 8 क्वेश्चन है। इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़िया करो, यूज द इनफॉर्मेशन इन द पैसेज टू मैच द पीपल लिस्टड ए टू जी, ठीक है, विद ओपीनियंस और डीड्स बिलो, जिहड़ियां गल्लां उन्होंने कही ने जिहड़े अपने विचार दिते आ गए ए टू जी तक अपने को लाइनस ने, तो एक ही इंस्ट्रक्शन दिती हुई है यू मे यूज एनी लैटर मोर दैन ट्वाइस, तुसीं किसी लैटर नूं दो बार भी यूज कर सकते होंगे, कोई गल नहीं, तो जे दिता हुआ तो करवाउणगे भी। राइटर दे नेम की ने, ए ते आ टॉनी ब्राउन, ओके, बी कौन है पैट्रिक लेहे, बिल बॉर्डर, पॉल जैपसन, आर्ट पिम्स, स्टीव ब्लैक, रिक हिल्टन, एक और सारे अपने माइंड दे विचों कढ़ दो। ते कदे भी ना ए गल याद रखो, ए ट्रिक समझा रहे हैंगा ते पेपर दे विच हमेशा कम आऊगी। 1 to 8 क्वेश्चन ने, कदे भी ए ना सोचो कि मैं फर्स्ट तो स्टार्ट करूंगा या मैं सैकेंड तो स्टार्ट करूंगा या मैं थर्ड तो स्टार्ट करूंगा, एवें करोगे एग्जाम कदे क्लीयर नहीं होएगा। करना की है, तुसी ए नहीं है ना कि मैं पहला क्वेश्चन लभूंगा फिर दूजा क्वेश्चन लभूंगा फिर तीजा, एवें कदे लभदे नहीं हैगे, जे लभोगे तो टाइम वेस्ट करोगे, इस तो बिना कुछ नहीं हैगा। सो ट्रिक की है वह सुन दो पहला, जिन्हें राइटर नेम तुसी देख रहे हो इत्थे पैट्रिक है, बिल बॉलर है, पॉल जैपसन, जिन्हें भी ने, तो एग्जाम दे विच मैं नहीं कह रहा तुहानू यही रीडिंग आऊगी, लिस्ट ऑफ पीपल तो आउणगे, राइटर दे नेम तो आउणगे, तो उन्होंने करन दा तरीका की है, उन्होंने करन दा पुत वे इह आ, तुसी जिथे जिथे ये राइटर कदे सनानियम च नहीं होंदे, पहली गल जिथे जिथे तुहानू दिख रहे ने लभ लो कितें कितें ने। सब तो पहला मैं लभ गया टॉनी ब्राउन, मैं कला अंडरलाइन कर लिया होर कुछ नहीं करिया, तरीका सिखाऊंगा पेपर क्लीयर करन दा। दूजे नंबर ते देखो मैं सारे तुहाडी वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इस करके मैंने जिवें पैट्रिक ले नूं अंडरलाइन कर लिया, बिल बॉलर नूं कर लिया, पॉल जैपसन नूं कर लिया, इत्थे इत्थे पॉल जैपसन, इत्थे कला जैपसन है, मतलब ये पता लग गया कि जैपसन की दो बार टॉक हुई है, वेरी गुड, चंगी गल है। अपन देखो जैपसन ए भी रहा, जैपसन ए भी रहा, दो जगह पर टॉक, कोई गल नहीं। आर्ट पिम्स, मतलब कि आ भी राइटर मिल गया, तो सब तो पहली ट्रिक तुसी आ सीख गए कि जिथे ते जिवें स्टीव ब्लैक मिल गया ते रिक हिल्टन मिल गया, सारे 8 to 8 अपन लगभग जिन्हें भी है 7-8 जिन्हें भी से अपने राइटर आप कट ले लभ गए, कला जैपसन दो बार सीगा। हुण जे आपां एवें सोचांगे ना भी सर मैं पहला क्वेश्चन पढ़ के इहदा आंसर करूंगा, एवें तुसीं कदे लभ ही नहीं सकदे। हुण मन के चलो देयर इज़ अ डबल एडवांटेज टू द न्यू टैक्नीक, तुसीं कहाँ पढ़ लिया, तो इहदे लई तुहानूं की करना पऊगा, ये भी देखना पऊगा, ये भी देखना पऊगा, ये भी देखना पऊगा, सारे राइटर नूं बार बार पढ़ोगे एडवांटेज वाला लभ जे, एडवांटेज वाला लभ जे, तो लभदा नहीं हैगा। तो लभण दा तरीका की है, सब तो पहला एक राइटर नूं चक लो, उहदे टॉक पढ़ लो, 1 to 8 दे विचों मैच कर लो, तुहानू 100% आंसर जिहड़ा वो लभ जूगा। तो हमेशा एक गल याद रखियो, एलीमीनेशन मैथड यूज करो, एलीमीनेशन दे नाल तुहानू फायदा की होगा कि तुहानू ये पता लग जूगा कि हाँ सर साडा ए भी नहीं हैगा आंसर, ए भी नहीं हैगा, तो जिहड़ा आंसर होया वह बिल्कुल अलग चमक जूगा। बच्चे मिसटेक कित्थे करदे, उहनां दा बैंड स्कोर क्यों नहीं आउंदा, द रीजन बिहाइंड दिस कि वह कंसनट्रेट करदे आ कि साडा आंसर किहड़ा है, तो असीं की पढ़ाउंदे आ कि साडा आंसर किहड़ा नहीं हैगा। यकीन करो थोड़ा ट्रैक के नाल पढ़ा के दिखाना तो वीडियो तुम्हें जरूर पसंद आऊगा। शुरू करते हैं, टॉनी ब्राउन इतने है, आप एक लाइन पिछों पढ़ना शुरू कर देना, होर कितों कोई फालतू कुछ नहीं करना। मान लो इतों होलसेल तो कहना, होलसेल चेंजेस इन द वे दैट
farmers control the pests on their farms is an expensive business, ਕਿਹਾ ਕਿਨੇ ਟੌਨੀ ਬਰਾਊਨ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਕਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਸੇਲ ਚੇਂਜਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਟੀਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਟੀਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਟੀਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਟੌਨੀ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਐਂਸਰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਮੈਂ, ਆ ਜਾਓ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ, ਡਨ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਡਬਲ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਨ ਨਿਊ ਟੈਕਨੀਕ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਕੱਟਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਦ ਵਰਕ ਔਨ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਦੀਜ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਟੈਕਨੀਕਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਫਿਨਿਸ਼ਡ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਇਹ ਜੀ ਤਾਂ। ਈਟਿੰਗ ਫੂਡ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਹੈਡ ਕੈਮੀਕਲਸ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡੇਂਜਰਸ ਟੂ ਅਵਰ ਹੈਲਥ, ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਨਿੱਚੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਅਫੈਕਟਸ ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਟੋਕ ਕੀ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਦ US ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿਸ ਦਾ ਬੈਸਟ ਫੂਡ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਨਾਊ ਡੇਜ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਦ ਰਿਸਰਚ ਡਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਡ ਇਨ ਟੂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਵ ਐਕਸੀਡ, ਕੋਈ ਟੋਕ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਚ ਗਿਆ ਫੋਰਥ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਲੱਭੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫੋਰਥ ਦੇਖੀ ਲਾਸਟ ਹੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਰੰਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਮੈਥਡ ਇਨ ਟੂ ਅ ਨਿਊ ਵਨ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਚੀਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਮੈਥਡ ਨਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚੀਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਸਤਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਟ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਕਰੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਲਿਖਤਾ ਨੋਟ ਚੀਪ। ਨੋਟ ਚੀਪ ਅਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਐਂਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਰਿਆ ਧਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਫੋਰਥ ਹੈ, ਫੋਰਥ ਦਾ ਐਂਸਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆ ਏ। ਐਂਸਰ ਐਵੇਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭੀ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਲੱਭਦੇ, ਤੀਜਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਰਾਈਟਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 8 ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਟ੍ਰਿਕ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਓ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਲੇ, ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇਗਾ। ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਲੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਉੱਪਰੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਫੁੱਲ ਸਟੋਪ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਅਵਰ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਰਿਮੇਨਸ ਦਾ ਸੇਫੈਸਟ ਐਂਡ ਹਾਈਐਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਸੇਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਐਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਔਨ ਦਾ ਅਰਥ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਟ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਓਵਰ ਡੋਜ ਆਰ ਫਾਰਮਲੈਂਡ ਵਿਦ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਐਂਡ ਟੋਕਸਿਕ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਐਂਡ ਟੂ ਅੰਡਰ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਸੇਫ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟਿਵ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਸ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਵੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਚਾਰਜਡ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਲੇ, ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹ ਸੇਫੈਸਟ ਵੀ ਹੈ ਹਾਈਐਸਟ ਵੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਆਰ ਫਾਰਮਲੈਂਡ ਵਿਦ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਟੋਕਸਿਕ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਅੰਡਰ ਯੂਜ਼, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਲਟਰਨੇਟ ਲੱਭ ਜੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇ ਇਹ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਲੇ ਨੇ। ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਫੋਰਥ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਟਾਈਮ ਸੇਵ, ਜਿਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ। ਡਬਲ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਂਸਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਉਹਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਈਟਿੰਗ ਫੂਡ ਡੇਂਜਰਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਫੋਰਥ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਵ ਐਕਸੀਡਿਡ ਐਂਟੀਸਪੇਟਡ ਗੋਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਰਿਸਰਚ ਡਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਆ ਜਾਓ ਇੱਕੋ ਬਚ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਆਪਣਾ ਲੱਖ ਵਰਗਾ। ਦ US ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿਸ ਦ ਬੈਸਟ ਫੂਡ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਨਾਉ ਅ ਡੇਜ਼, ਜਿਹੜਾ US ਹੈ ਉਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਫੂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ US ਤਾਂ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫੂਡ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਵਰਲਡ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਵਰਲਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਇਕੱਲਾ US ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਜ ਹੈ ਉਹ US ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਨੇਮ ਪਿੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੋ,
दिमाग च लैके चलो भी सेम नहीं मिलता सनानियम च मिलेगा तो डेफिनेटली जो सनानियम च मिल गया तो एंसर तो ताड़े सामने है। आयल्स नू सौखा बना के पढ़ाया जा सकता है तो एक ट्रेनर के हाथ है वो किस तरीके डील करता है। चलो आप पैट्रिक तो बाद बिल बॉलर आ गया अपने को है ना, एक ही कहना चाहता है बिल बॉलर ये रहा बस ये तो उपर लाइन च आ जाओ देखो कितने लाइन इतों शुरू हो रही है कहना देयर इज नो वे दैट हैबिचुअल कंजप्शन ऑफ फूड स्टफ ग्रोन यूजिंग टॉक्सिकल केमिकल ऑफ द नेचर फाउंड ऑन टूडेज फार्म्स कैन बी हेल्दी फॉर कंज्यूमर। कहना ध्यान सुनो इन्हें एक गल कही है पुत, कहना देयर इज नो वे हो ही नहीं सकता कि जी कंजप्शन है हैबिचुअल कंजप्शन जो लोग करते हैं फूड की करते हैल्दी होवे कंज्यूमर के लिए जोड़े खाते नेगे उन्होंने वो हैल्दी नहीं हैगी क्योंकि वह तो कुछ इन ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ करते इस करके हैल्दी नहीं हैगी। बिल बॉलर ने कहा ठीक है, बिल बॉलर ने होर सौखे भाषा दसा उन्हें यही कहा कि जी चीज़ में कंजप्शन कर रहे नेगे वो सेहत के लिए ठीक नहीं, जो फूड खा रहे हैं वो वधिया नहीं हैगा क्योंकि पेस्टिसाइड वगैरह यूज होंगे ने। तो आ जाओ अपन की पता लग गया हुण तक सैवंथ हो गया अपना फोर्थ हो गया अपना अपने को कि रह गया हुण आप देखिए डबल एडवांटेज कोई गल नहीं, एक्सपैक्टेशन ऑफ एंड यूजर एग्रीकल्चर कोई टॉक नहीं, रिसर्च की कोई टॉक नहीं, रिजल्ट की कोई गल नहीं, वर्क डिवेलपिंग अल्टरनेटिव टेक्नीक इज नॉट फिनिश्ड कोई गल नहीं। आज थर्ड से देखिए कहना ईटिंग फूड दैट हैड कैमिकल यूज इन प्रोडक्शन जिहड़े खाण दे विच कैमिकल यूज हुंदे आ गए जिहड़ी प्रोडक्शन करन च इज डेंजरस टू आवर हैल्थ साडी हैल्थ दे लई वह बहुत ज़्यादा डेंजरस ने। उधर कहा सी भी देर इज़ नो वे कि आपां इहनूं कहदे भी हैल्थ लई सेफ नेगे तो इधर कहता भी डेंजरस हैगा तो डेफिनेटली थर्ड का आंसर अपना की बन गया बिल बॉलर सी। आपां एवें आंसर लाउंदे गौर करके देख लियो कई बार बच्चे बाय मिसटेक करनगे हुण थर्ड है इहदा आंसर सी है ठीक है। जिहड़ा अपना पैट्रिक ले सीगा पैट्रिक ने मैं लगता यही कही थी ना गल यूएस प्रोड्यूसिज है तो यदा आंसर बी है एवें आंसर लगनगे। हुण आपां बंदा किहड़ा लभण जांदे राइटर किहड़ा अपने कोल होर आ जाओ आपां चाहिए पॉल जैपसन चाहिए देखिए पॉल जैपसन की गल कह रहेगा तो पॉल जैपसन दो जगह पर भी गौर रखनी पेगी आपां नूं हुण। चलो पॉल जैपसन ध्यान सुन कहिंदा कहना वी मस्ट कॉन्टीन्यू टू डिवेलप इफेक्टिव अल्टरनेटिव प्रैक्टिस दैट विल रिड्यूस एनवायरमेंटल हैजर्ड्स एंड प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। कहना सानू कॉन्टीन्यू करना चाहिए वी मस्ट कॉन्टीन्यू सानू पक्का कॉन्टीन्यू करना चाहिए डिवेलप करने के लिए वधाउण के लिए इफेक्टिव अल्टरनेटिव कोई होर अल्टरनेटिव प्रैक्टिस दैट विल रिड्यूस जी घटाऊगी एनवायरमेंटल हैजर्ड एनवायरमेंट के खतरों एंड प्रोड्यूसिज हाई क्वालिटी प्रोडक्ट तो हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट पैदा करूगी किने कहा पॉल जैपसन ने। आ जाओ उम्मीद है कि तुहानू पता लग रहा होना कि आप राइटर की कल्ली टॉक पढ़ के उत्थे जाने तो आप उत्थों अपना आंसर लेके आने तो डेफिनेटली जिवें आप देख के आए हूँ उधर डिवेलपिंग देख के आए हैं है ना अल्टरनेटिव देख के आए हैं तो एक्यूरेट जो अपना आंसर बन गया पुत वो बन गया सैकेंड। ये सैकेंड बहुत बच्चों लग रहे हैं भी सर क्यों बन गया क्योंकि इधर देखो वर्क ऑन डिवेलपिंग अल्टरनेटिव इज नॉट फिनिश्ड है ना कि हले फिनिश नहीं होया तो इधर अपन की देख के आए हो वी मस्ट कॉन्टीन्यू कॉन्टीन्यू के हले सी इन होर कॉन्टीन्यू करना चाहते हैं। इतने देखो अपना जोड़ा आंसर दिता पुत वो दिता ये रहा कहते वी मस्ट कॉन्टीन्यू टू डिवेलप इफेक्टिव अल्टरनेट वी मस्ट कॉन्टीन्यू के सानू हले भी कॉन्टीन्यू करना चाहिए हले रुकना नहीं चाहिए। तो इधर की हो गया जड़िया ये डिवेलपिंग दिया अल्टरनेटिव टेक्नीक्स ने इज नॉट फिनिश्ड ये हले फिनिश नहीं हुई तो एक्यूरेट जो अपना आंसर बन गया वो सैकेंड का बन गया पॉल जैपसन का ठीक है। इस तो बाद आप आने अगे अपने को नैक्सट राइटर कह अगला मिलना तो पॉल जैपसन है नो वरी ठीक है। आप एक बार पॉल जैपसन इतों ये कर ले कॉन्टीन्यू तो पता लग गया कि इज़ नॉट फिनिश्ड अगला पॉल जैपसन इतने भी है चलो इन भी देखिए ये जैपसन लिखा हुआ ठीक है। ये कहें ध्यान देखो कहता जैपसन तो इतों पढ़ते हैं आर चैलेंज इज टू ग्रेटली इंप्रूव द कम्युनिकेशन टू एंड फ्रॉम ग्रोअर्स साडा जो चैलेंज है वो ग्रोअर्स के नाल साडा कम्युनिकेशन जो वधिया रहे
टू लर्न वट वर्क एंड वट डज नॉट, की करना है ते की नहीं करना. द वर्क कमिंग फ्रॉम OSU रिसर्चर्स मस्ट बी अडोप्टेड इन द फील्ड. ये सारा काम है जरा फील्ड के अडोप्ट होना चाहिए है, नॉट सिंपली लैंग्वेज कलिया गलों नहीं होना चाहिए. मतलब की है कि जोड़ा एक काम हैगा ये प्रैक्टिकली हो, क्योंकि आप कहने फील्ड वर्क है, फील्ड वर्क प्रैक्टिकल वर्क होंगे है. आज जैपसन ने होर की कहा इधर, तो डेफिनेटली तुम होर कोई भी आंसर नहीं लगेगा पुत. ये देखिए देखियो नंबर सिक्स कहता द रिसर्च डन शुड बी ट्रांसलेटड इन टू प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट. जी रिसर्च आ यह प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के तरीके होनी चाहिए है, इस करके एक्यूरेट आंसर अपना बन गया इतने सिक्स. सिक्स का भी बन गया पॉल जैपसन. ये क्यों बनया? क्योंकि इतने प्रैक्टिकल दिता होया तो उत्तर फील्ड दिता है, तो फील्ड वर्क हमेशा प्रैक्टिकल वर्क ही होंगे है. अपने को रह गया आर्ट पेम्स, स्टीव ब्लैक, रिक हिल्टन. चलो देख रहे हैं कि कहने आ रहा पेम्स. पेम्स कहते हैं वन ऑफ द रिसर्चर्स एट द महलूर कमेंट्स ग्रोअर्स आर फाइंडिंग दैट वैन दे अडोप्ट मोर एनवायरमेंटली बिगिन प्रैक्टिसिज. जो उन्होंने एनवायरमेंटली प्रैक्टिसिज नू अडोप्ट किया अपना लिया, दे कैन हैव एक्सीलेंट रिजल्ट. उन्होंने रिजल्ट ने जोड़े वो बहुत वधिया आने शुरू हो गए. मतलब कि हो गया जो उन्होंने एनवायरमेंटली अपनाया तो रिजल्ट अच्छे आ गए. द न्यू प्रैक्टिस बेनीफिट द एनवायरमेंट, तो नवी प्रैक्टिस ने एनवायरमेंट में भी बेनीफिट किया. अपने को दो फायदे हो गए, एक तो ग्रोअर का रिजल्ट आ गया अच्छा, जेडे ने बीजा वो वधिया मिल गया, तो दूजा अपने को आ गया पुत एनवायरमेंट है जोड़ा वह भी अपने को फायदा हो गया. तो एक्यूरेट आंसर तुम देख के देखो होर कोई नहीं आता. कहना देयर इज अ डबल एडवांटेज, डेफिनेटली पता ही लग गया डबल एडवांटेज की है. डबल एडवांटेज अपने को हो गया पुत कि उन्हें यह भी देख लिया उन्होंने जी फसल है वो होर ग्रो होगी, तो नैक्सटली जो उन्हें देखा कि जोड़ा एनवायरमेंट है उन्होंने भी फायदा होया. तो इस करके जोड़ा वन है वह आंसर बन गया आर्ट पिम्स ई, वन का आंसर बन गया ई. हूँ जो स्टीव ब्लैक है, हूँ आप स्टीव ब्लैक से जाने पढ़ते हैं स्टीव ब्लैक की कहते हैं. आ रहा ब्लैक स्टीव आ रहा. चलो ये देखिए कहना है, कहना आई वुड नेवर हैव बिलीव दैट वी कुड रिप्लेस द आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड कंट्रोल दैट वी हैड बिफोर एंड स्टिल कीप्स आर गुड रिजल्ट्स. कहना मैनू कदे भी नहीं लगता भी असी जिहड़ी पेस्टिसाइड है उन्हों कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि लोग यूज बहुत करते हैं इनू. कमेंटेड स्टीव ब्लैक्स, तो सानू ये कहना मैनू रिजल्ट चाहिए ने चज दे. देखो आई वुड नेवर बिलीव दैट वी कुड रिप्लेस द आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड कंट्रोल वी हैड बिफोर एंड स्टिल कीप आर गुड रिजल्ट. तो असं फिर भी हले तक अपने रिजल्ट जोड़े वो गुड रखते, पर असं रिजल्ट होर भी लेके आने हैं. तो रिजल्ट की गल फिफ्थ पढ़ के देखियो, रिजल्ट हैव एक्सीडिड द एंटीसीपेटिड गोल. तो डेफिनेटली जो सा गोल हैगा वो ये है कि असी पेस्टिसाइड को खत्म कर दीए, तो जी जी सा प्रोडक्शन हैगी बहुत ज़्यादा वधा लीए. तो जो एफ बन गया वो बन गया फिफ्थ का आंसर. हूँ लास्ट रह गया अपने को रिक हिल्टन, तो डेफिनेटली अपने को रह भी एक हो गया ना, मैं लगता आ रहेगा अपने को एक्सपैक्टेशन ऑफ एंड यूजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आफ्टर द प्रोडक्ट. पढ़ा देना ये भी नहीं मैं रोकता था, फिर भी पढ़ा देना. आ रहा रिक कहता कंज्यूमरस आर राइटली पुटिंग मोर एंड मोर प्रेसर ऑन द इंडस्ट्री. कंज्यूमर कौन होंगे ने जो कंज्यूम करते हैं वो प्रैशर पा रहे हैं इंडस्ट्री के उत्ते. इट्स रैलियंस ऑन कैमिकल पेस्टिसाइड्स बट दे स्टिल वॉन्ट अ पिक्चर परफेक्ट प्रोडक्ट. किने कहा? रिक हिल्टन ने. इधर देखिए expectations of end expectations of end users of agriculture products affect the product. ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੇਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 8th ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰ ਕੀ ਜੀ ਐਮ ਲੱਗਦਾ ਜੀ. ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਬਣੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ. ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ ਈ ਸੋਰੀ ਈ ਇਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਡੀ, ਥਰਡ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੀ, ਫੋਰਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਏ, ਐਫ, ਡੀ, ਬੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਐਂਸਰ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਟੇਢੇ ਵਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਪੁੱਤ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਚੈੱਕ ਹੋਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਚਲੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਫਾਬੈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਜੇ ਟੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਈ ਵਾਰ ਚੱਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰਿਕਸ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸਰ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ. ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਿਸਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਏ ਟੂ ਜੀ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਡੀ ਦੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹਜੇ ਯੂ ਮੇ ਯੂਜ਼ ਟਵਾਈਸ. ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਇਹ ਡਾਊਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ. ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ
जिन्हां ने मेरा चैनल प्लीज़ सबसक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो चैनल है जिहड़ा वो सबसक्राइब कर लैन। तुहाडा बहुत प्यार है, तुहाडी बड़ी रिस्पैक्ट है मेरे दिल च, ते मैं हमेशा ते एक गल होर याद रखियो, ये 30 डेज़ मैं मार्च नूं, अज 1 मार्च है, मैं टारगेट लैके चलिया कि 1 to 30 मार्च दे विच कोई एक भी दिन एवें दा नहीं होगा जिस दिन मेरा वीडियो तुहाडे यूट्यूब दे उत्ते नहीं आऊगा, बल्कि 30 डेज़ कॉन्टीन्यूसली, चाहे संडे है चाहे सैटरडे है, नो वरी अबाउट दिस, आई विल डेफिनेटली वर्क। सो ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਿਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੈਕਸਟ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ, ਲਵ ਯੂ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਰਮਨ।